जिस तरह हमारे नेताओं ने 60 साल तक नागौर को ठगा है, कम से कम आपको नागौर जिले ने 9 सीट जीता के दी है। और हाँ, मेरे यहाँ जरूर आपकी जमानत जब्त हुई, तो उसको भी आप छोड़ो, उस बात को, इतना 9 जीता दी। अरे जमानत कैसे जब्त हुई? अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के अंदर इनके 5 ही जीत गए 31 में से, बीजेपी निर्विरोध जीत के आई है, और इनके भाई जो है ना, इनके 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 खुद के गांव में ही हार गए। तो अध्यक्ष महोदय, इनके खुद के गांव में हार गए इनके भाई, और नाथूराम जी की आलोचना कर रहे हैं इतने बड़े लीडर की। श्रीमती सूर्यकांता, आपके पिताजी तो 36 बार हारे थे, आपके पिताजी 36 बार हारे थे। सूर्यकांता, आपके पिताजी जीवन में कभी जीते नहीं। आप देखिए, मेरे पिताजी 2 बार एमएलए रहे, ठीक है ना। देखिए मिस्टर बेनीवाल, देखिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने समय का ध्यान रखना। इस गण के माध्यम से मुझे बहुत महत्वपूर्ण इश्यू मेरे इलाके का, अध्यक्ष महोदय, नागौर जिला क्षेत्रफल में राजस्थान में प्रमुख जिलों में से, और लगभग एक छोर जयपुर से शुरू होता है, दूसरा रामदेवरा फलोदी सीमा को टच करता है। अध्यक्ष महोदय, 30 लाख की नागौर जिले की आबादी है, 10 विधानसभा क्षेत्र है, और 14 ग्राम पंचायत समितियां जो 3 नई बनी इनको मिला के, अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के 60 साल बाद भी नागौर के अंदर लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और पिछले कई वर्षों के अंदर हमारे बच्चे 10th 12th इस मेरिट के अंदर भी 3 4 5 की संख्या में हमेशा, विशेषकर मेरे खींवसर क्षेत्र के, कुचामन क्षेत्र के बच्चे आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र 175 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, उसके बावजूद खींवसर के अंदर अध्यक्ष महोदय अभी तक महाविद्यालय नहीं है। मैं सदन की नेता भी जब खींवसर के अंदर कार्यक्रम के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा में गई थी, तब भी ये महाविद्यालय का मामला उठा था, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम खींवसर में महाविद्यालय खुलाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं जीत के आ गया, इसलिए वो महाविद्यालय ठंडे बस्ते में चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि खींवसर उपखंड मुख्यालय के साथ साथ हमारे, मैं पंचायत राज मंत्री जो थे गुलाबचंद जी कटारिया, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी पंचायत समिति भी हमारी मांग पे खींवसर में आखिरी पंचायत समिति राजस्थान की खुली, और जब पंचायत समिति आपने खोल दी, उपखंड मुख्यालय वहाँ पे है, और परिसीमन में 2008 के अंदर विधानसभा क्षेत्र में खींवसर नया बना। अध्यक्ष महोदय, करणू जो नागौर से आखिरी छोर पे 120 किलोमीटर पड़ता है, और करणू से कोई बालक बालिका पढ़ने के लिए नागौर आना चाहता है तो उसको 2-3 बार बस बदलनी पड़ती है, और ये संभव नहीं है। इसलिए मैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पूरे जिले के अंदर नागौर, डीडवाना और मेड़ता 3 कॉलेज हैं, और नागौर में मात्र 700 की संख्या है प्रथम वर्ष के अंदर। हर बार सरकार सेक्शन भी बढ़ाती है, लेकिन हजारों बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, और दूसरा कॉलेज 100 किलोमीटर दूर मेड़ता है, और तीसरा 100 किलोमीटर दूर डीडवाना है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुचेरा जो मेड़ता और नागौर के बीच पड़ता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी नगर पालिका है, और खींवसर जो नागौर से 50 किलोमीटर दूर और नागौर का आखिरी छोर जो है उससे उसकी दूरी भी 50 किलोमीटर है, और भौगोलिक परिस्थितियों से भी खींवसर के अंदर कॉलेज खुले। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी कॉलेज खुले थे, लेकिन जहाँ जरूरी थे वो तो रुक गए, और जो मुख्यमंत्री के नज़दीक विधायक थे वो अपने अपने इलाके के अंदर कॉलेज ले गए। कई जगह तो ऐसी स्थितियाँ कि वहाँ कॉलेजों में नामांकन ही नहीं हुए, 50 की संख्या कॉलेज खुल गया। अब हमारे दुर्भाग्य से वहाँ एक महिला कॉलेज भी पिछले सालों में खुला था, लेकिन वहाँ भी अभी तक सिर्फ 250 की संख्या महिला कॉलेज के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नागौर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये, क्योंकि हमारे नेताओं ने भी हमेशा वोट लिया था 60 साल तक, और हमारे नेता तो एक ही बात कहते थे कि अगर जनता को पढ़ा दिया तो हम नहीं पहुँचेंगे विधानसभा और लोकसभा के अंदर। इसलिए वो जिन्होंने नागौर में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा, रामनिवास जी मिर्जा वो थे, उन लोगों ने एक ही काम रखा कि नागौर का आदमी अगर पढ़ लिख के आगे आ गया तो हमारी राजनीति फेल हो जाएगी। इसलिए वो सिर्फ ऐसी बातें करते थे, विकास को अवरुद्ध करने की बात करते थे, बिजली लाएंगे करंट आ जाएगा, बड़ी ट्रेन आएगी चोर आ जाएंगे, और सड़क आएगी एक्सीडेंट हो जाएगा, और पढ़ लिख, एक मिनट रुको, एक मिनट, अरे बैठो आप यार, तब
तब आपकी पार्टी नहीं थी, बीजेपी थी नहीं, पुरानी बातें बता रहा हूँ। बस हो गया, आप हो गए अध्यक्ष महोदय। चार मिनट हो गए, एक मिनट, चार मिनट हो गए। सही दिशा में बोल रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, ये भी सही दिशा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हो गए। तो यही तो मुझे बुरा लगता है, जब तीन मिनट थे तो मैंने चार मिनट कर चुके। आप मैं आपके माध्यम से मांग करो, मांग करता हूँ।